हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरी रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, इलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शंस विद द मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हेन द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस द वीकर न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसमें हर स्टेप को हम एक्सप्लेन करेंगे कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। व्हाट डू यू नो अबाउट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? स्प्लेन में सच न्यूक्लियोफाइल विच हैव two sides through which the reaction takes place. Such nucleophiles which have two sides through which the reaction takes place are called embedded nucleophile. कोई एल्किल हैलाइड है, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Cl। अगर इसके साथ कोई ऐसा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल अगर इस पर अटैक करता है तो दो टाइप के प्रोडक्ट को बनाता है। मान लीजिए इस पर साइनाइड आयन अटैक किया तो CH3CH2Cn बनाया। साइनाइड आयन का मतलब केसियम पोटेशियम साइनाइड अटैक कर रहा है, अथवा NaCn अटैक कर रहा है, सोडियम साइनाइड अटैक कर रहा है। तो साइनाइड आयन्स इसमें का जो साइनाइड आयन्स है अगर अटैक कर रहा है तो CH3CH2Cn बना रहा है, अथवा इस पे अगर सिल्वर साइनाइड AgCn अटैक कर रहा है तो CH3CH2NC मतलब एथिल आइसोसाइनाइड अगर AgCn इस पे अटैक कर रहा है तो एथिल आइसोसाइनाइड बना रहा है। अगर इस पे NaCn इस पे अटैक कर रहा है तो CH3CH2Cn बना रहा है। अब इसको हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि रीजन क्या है कि सोडियम साइनाइड अगर इस पे अटैक किया तो यह एथिल साइनाइड बनाया। AgCn अगर इस पे अटैक कर रहा है तो यह एथिल आइसोसाइनाइड बना रहा है। पहले हमको यह समझना है कि साइनाइड दोनों में कॉमन है, लेकिन इस कंपाउंड में अगर साइनाइड अटैक कर रहा है तो जो कार्बन से जुट रहा है वह साइनाइड का कार्बन जुट रहा है, इस कार्बन से साइनाइड का कार्बन जुट रहा है। और इस कंपाउंड में अगर यह कंपाउंड इस पे अटैक कर रहा है तो इसका नाइट्रोजन इस साइनाइड का नाइट्रोजन इस कार्बन से जुट रहा है। इसका हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो हम जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम साइनाइड हो या सोडियम साइनाइड हो, इन दोनों का बेसिकली जो नेचर होता है वह आयनिक करेक्टर होता है,
इनका करेक्टर जो होता है वह आयनिक करेक्टर है। आयनिक करेक्टर क्यों? अब आयनिक करेक्टर इसलिए कि जो पोटेशियम है या सोडियम है वह मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं और यह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, चाहे वो पोटेशियम की बात करें या सोडियम की बात करें, यह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को साइनाइड का कार्बन एक्सेप्ट करेगा। चाहे इस कंपाउंड की बात करते हैं, पोटेशियम इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इस कार्बन को, NaCl के केस में सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कार्बन को, इसलिए इन दोनों कंपाउंड का नेचर पूरी तरीके से क्या है? आयनिक है। इसलिए जब एक सोडियम साइनाइड हुआ, पोटेशियम साइनाइड हुआ या सोडियम साइनाइड हुआ, इसके साथ अगर कोई एल्किल हैलाइड रिएक्शन कर रहा है तो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वह एल्किल साइनाइड बनाएगा। इसको बोलते हैं हम एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड बनाएगा। लेकिन सिल्वर साइनाइड की बात करते हैं तो जो सिल्वर साइनाइड है इस कंपाउंड में अगर कार्बन और सिल्वर के बीच के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस देखते हैं तो इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस कम है। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस कम होता है तो मोस्टली इस न्यूक्लियोफाइल्स का जो नेचर होता है वह कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। वो कौन सा कंपाउंड बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। और जब कंपाउंड कोवेलेंट होगा तो अटैकिंग हमारा हमेशा नाइट्रोजन के डायरेक्शन से ही होगा। तो इसलिए यहां पे हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वह एथिल आइसोसाइनाइड बनाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो यह क्लियर हो गया। कभी यह साइनाइड एल्किल साइनाइड बना रहा है, कभी यही साइनाइड आइसोसाइनाइड बना रहा है। तो यह कंडीशन तब अप्लाई होगा कि जब यह साइनाइड आयन किसी ऐसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल से जुड़ा हुआ है जो वह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो उस कंडीशन में जब यह कंपाउंड किसी एल्किल हैलाइड से कॉम्बिनेशन करेगा तो मेजर प्रोडक्ट हमारा साइनाइड होगा। दूसरे केस में अगर यही एल्किल हैलाइड के साथ अगर यह साइनाइड आयन किसी लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल के साथ कंटेन होगा तो हमारा जो कंपाउंड बनाएगा वह आइसोसाइनाइड के केस में मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसे ही दूसरा हम कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा एल्किल हैलाइड है AgCH3CH2Br। अगर इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ये भी दो टाइप का रिएक्शन को बनाएगा, इसके साथ KNO2, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्राइड। यह कंपाउंड जो है यह पोटेशियम नाइट्राइड है। दूसरा है AgNO2, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइड। KNO2 के साथ जब रिएक्शन होगा इस एल्किल हैलाइड का तो CH3CH2 O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O हो जाएगा, मतलब एथिल नाइट्राइड, एथिल नाइट्राइड। लेकिन अगर ये सिल्वर नाइट्राइड के साथ यह एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH2 यंग पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड को ऊपर निगेटिव चार्ज, यानी नाइट्रो एथेन। इसको क्या पढ़ेंगे हम? नाइट्रो एथेन, इसको पढ़ेंगे हम नाइट्रो एथेन। फिर वही बात हमारा इस पे भी लागू हो रही है, वही एक्सप्लेनेशन हमारा इस पे भी लागू होगा कि पोटेशियम नाइट्राइड के केस में पोटेशियम हाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मेटल्स है, यह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। जब इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस कंपाउंड का जो नेचर होगा वह आयनिक होगा और आयनिक के केस में कंटेन किससे बनेगा हमारा? ऑक्सीजन से, मतलब इस एल्किल ग्रुप की कंटेनिंग ऑक्सीजन होगी। उस कंडीशन में इसको पढ़ेंगे हम एथिल नाइट्राइड, NITRITE। लेकिन
जब यही एल्किल हैलाइड सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कर रहा है तो सिल्वर और नाइट्रोजन के बिटवीन में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस बन रहा है वह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस लेस है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड का नेचर क्या होगा, कोवेलेंट होगा। और कोवेलेंट के केस में हमारा जो AgNO2 का नाइट्रोजन है वह नाइट्रोजन इस कार्बन से अटैचमेंट होगा, और इस कंडीशंस में इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे हम नाइट्रो एथेन। इज दैट क्लियर? ओके।